हेलो लर्नर्स, तो आज हम करेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कस। तो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैसूर बेस्ड स्कल्पचर क्रिएटेड द 12 फुट लॉन्ग श्री आदि शंकराचार्य स्टैच्यू विच वेज ओवर 35 टन्स। व्हाट इज़ हिज नेम? आपको नाम बताना है इस स्कल्पचर का, इन्होंने बनाया है शंकराचार्य के स्टैचू को जो कि मैसूर बेस्ड है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही पता चल गई कि जो स्कल्पचर है ये मैसूर बेस्ड है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, और ये शंकराचार्य स्टैचू है ये केदारनाथ में है ना। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मनीष कपूर, अर्जुन योगीराज, शक्ति बर्मन, संजय नेगी। तो करेक्ट आंसर ओवर इज अर्जुन योगीराज। अर्जुन योगीराज जो कि मैसूर के हैं, उन्होंने ये आदि शंकराचार्य का स्टैचू बनाया है जो कि 35 टन्स का है, और ये शंकराचार्य का स्टैचू कहाँ पर है? केदारनाथ में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1, 2021 विच कंट्री हैज़ इंडिकेटेड दैट इट विल नो लॉन्गर प्रोवाइड सर्विस इन मेनलैंड चाइना। तो कौन सी कंपनी ने 1 नवंबर से अपनी सर्विसेज को चाइना में प्रोवाइड करना बंद कर दिया? तो आपके ऑप्शन है याहू, गूगल, वीसा, भारतीय एयरटेल। करेक्ट आंसर ओवर इट इज़ याहू। याहू ने कहा है कि इट विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज इन मेनलैंड चाइना ड्यू टू कंट्रीज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट कॉमर्शियल एंड लीगल क्लाइमेट। लीगल क्लाइमेट और कॉमर्शियल क्लाइमेट जो चाइना में डेवलप हो रहा है उसके कारण से काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं फंक्शन करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द सेफ कार्ड टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट कस्टमर्स इन मीटिंग RBI रेगुलेशंस। आपके ऑप्शन है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या मोबीक्विक। तो आपको बताना है यहाँ पर कि सेफ कार्ड टेक्नोलॉजेशन टेक्नोलॉजी जो कि कस्टमर्स के लिए कौन सी कंपनी लेके आई है। तो ये कंपनी है फ़ोनपे। फ़ोनपे जो कि फ्लिपकार्ट का पार्ट है एंड इट इज़ अ डिजिटल पेमेंट कंपनी, जिन्होंने अनवील की है टेक्नोलॉजी सेफ कार्ड टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी। एंड इससे क्या होगा, ऑनलाइन और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें आप टोकनाइजेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज़ नहीं जाएगी, जो कार्ड की डिटेल्स हैं उसको क्लोन कर दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अप्रूव द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरल टैबलेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19, है ना। तो वर्ल्ड की पहली ओरल टैबलेट कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव करी है जिससे ट्रीटमेंट होगा COVID-19 का? UK, कैनेडा, US एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर ओवर इट इज़ UK। UK में क्या हुआ है कि वर्ल्ड फर्स्ट मेडिकेशन हुआ है सिम्टोमेटिक COVID-19 का, अप्रूव किया है ब्रिटिश हेल्थ ऑफिशियल्स ने, और ये एंटीवायरल मोलनुविरापीर जो नाम की ड्रग है ये इसको दी जाएगी, है ना। तो किस पर दी जाएगी? जिनको हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा है या डेथ होने की खतरा है, है ना, माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 के पेशेंट्स रहेंगे उनको ये दी जाएगी। और ये पहली कंट्री बनी है UK जिसने फर्स्ट ओरल टैबलेट लेके आई है ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर हैज़ बीन ओपन्ड। तो आपको बताना है कि ड्राइव इन थिएटर पहला जो है इंडिया में कौन से सिटी में बना है जो कि रूफटॉप भी है। आपके ऑप्शन से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर ओवर इज मुंबई। मुंबई में बना है ना ये रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर, है ना। और ये कहाँ बना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट इज करंटली इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन रेड रोज, ऑपरेशन जो कि है एंटी इलिसिट लिकर कैंपेन, है ना। तो जो गलत तरीके की लिकर्स रहती हैं, नकली रहती हैं शराब, उसके खिलाफ ये कैंपेन चलाया गया है। तो आपको बताना है ऑपरेशन रेड रोज नाम का कैंपेन कौन से स्टेट में चलाया जा रहा है? पंजाब, राजस्थान, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ पंजाब। पंजाब में करा है, 2020 से चलाया जा रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू कॉम्बैट इलीगल बूज ट्रेड एंड एक्साइज रिलेटेड ऑफेंसेस। इसमें टैक्सेस की चोरी करी जाती, बचाई नहीं जाती। तो ये कैसे करेंगे? तो इसमें GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बॉक्सर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021, है ना। 2021 में किसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो कि इंडियन बॉक्सर थे, ब्रॉन्ज मेडल मिला है उनको AIBA की मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो आपके ऑप्शन है आकाश कुमार, विजेंदर सिंह, मैरी कॉम एंड लवलीना बोरगोहेन। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि कुछ लोग तो फीमेल हैं जैसे मैरी कॉम फीमेल हैं, तो यहाँ पर मेंस की बात हो रही है, ऑप्शन फीमेल दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शन। करेक्ट आंसर ओवर इट आकाश कुमार। आकाश कुमार जी को 5 नवंबर 2021 को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बेलग्रेड सर्बिया में टूर्नामेंट चल रहा था, मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रहा था और वहाँ पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इंडियन बॉक्सर थे आकाश कुमार, है ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 विच इंडियन इंस्टीट्यूट केम आउट ऑन टॉप अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़. आपको बताना है इस रैंकिंग में 2022 की जो रैंकिंग्स हैं उसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया है. आपके ऑप्शन है आई बॉम्बे, आई मद्रास, आई कानपुर एंड आई बैंगलोर. तो करेक्ट आंसर ओवर इट इज़ आई बॉम्बे. इंडिया की जो टॉप टू इंस्टीट्यूट्स थे वो टॉप 50 में आए थे. एक आईआईटी बॉम्बे था, एक आईआईटी दिल्ली था. आईआईटी बॉम्बे को 42nd पोजीशन मिली एंड आईआईटी दिल्ली को 45th पोजीशन मिली, है ना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल माइथोलॉजी टेल्स. आपके ऑप्शन हैं झुंपा लहरी, अनीता देसाई, सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति. तो एक बुक का क्वेश्चन है, बुक के ऑथर पूछे जा रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्लैट में और बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी में, है ना. तो ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है. तो आप ये बुक है सेज विद द टू हॉर्न्स. तो कौन सी बुक लिखी है, किसने लिखी है आपको बताना है. तो यहाँ पर सही आंसर है सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति ने नई बुक लिखी है जो कि नारायण मूर्ति की वाइफ हैं. और नारायण मूर्ति के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने इन्फोसिस को फाउंडर थे, ये इन्फोसिस के फाउंडर थे नारायण मूर्ति और उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति. और इन्होंने बुक लिखी द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल माइथोलॉजी टेल्स. तो आप ये देख पा रहे हैं सेज में टू हॉर्न्स नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति जिन्होंने जिले की लिखी है बुक, उसका कवर पेज. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर ऑन विच डे इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. आपके ऑप्शन हैं 3 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर या 6 नवंबर. तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे अपने देश में कब मनाया जाता है आपको ये बताना है. तो करेक्ट आंसर ओवर इट इज 7 नवंबर. 7 नवंबर को इंडिया कॉमेमोरेट्स नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर, इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, है ना. तो कैंसर इज द सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ मोर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड वाइड, है ना. तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वजह है जिससे लोग ख़त्म होते हैं वर्ल्ड में, ठीक है. तो इंडिया कब मनाता है इसको, नवंबर 7 को मनाता है. तो आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे और MCQs भी समझ में आए होंगे. और हमारे चैनल से जुड़े रहिए सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. और तब तक के लिए शुक्रिया. एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे.